हेलो 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 हेलो, दिस इज पतिज आगुन पाखी फिनिक्स यूट्यूब पे हमारा डिजिटल लाइब्रेरी बायोलॉजिकल साइंस फ्लेवर। बायोलॉजिकल साइंस पर तो बायोलॉजी का ही एक कहानी है। इस कहानी में एक इस सालाना जो मेडिकल मतलब MBBS BDS पढ़ने का जो सिलेक्शन टेस्ट था उसमें बायोलॉजी में 360 स्कोर टोटल होते हैं, उसमें से सोमदीप गुड़िया ने 355 यानी कि 355 स्कोर किए 360 में से, और दोनों स्टूडेंट मनाली जैसे 345 और संदीपन वो 290 यानी कि एवरेज बहुत ही तगड़ा। तो ये फिनिक्स का बहुत ही शानदार एक मतलब जीत है, और इसमें अगर स्टूडेंट हर स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट करे तभी जाकर एक कोच का कुछ ओहदा निकल आते हैं और उसका सुकून का एक जगह होता है, क्योंकि सक्सेस आ गया 10 में से मतलब एक हुआ या फिर 100 में से 4 हुआ, उसमें स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरा होता है, एवरेज बहुत ही ख़राब होता है। तो ये सोमदीप गुड़िया ने कैसे किस तरह अपने आप को इससे उभर के ले आए, मतलब एक साल ड्रॉप होने के बाद क्योंकि फ्रेश ईयर में जगह नहीं था, उनका स्कोर कुछ बहुत खास नहीं था, 374 था टोटल, इस बार टोटल स्कोर 595 हो गया है। वो ऐसे मतलब सक्सेस ऐसे होता है, ये रेत की जैसे हम देख रहे हैं, हम इसको पकड़ सके तो ठीक से ये पत्थर की तरह रह जाएगा, और अगर ठीक से कामयाबी मतलब ईमानदार कोशिश नहीं होगा तो रेत की भांति ये निकलते चला जाएगा। तो सोमदीप गुड़िया ने उसको एक पत्थर की मतलब पत्थर की तरह उसको पकड़ा था, जम के एक चट्टान की तरह, समंदर की ऐसे लहरों के साथ ये बात नहीं था कि हम जो भी पढ़े वो सक्सेस की तरफ ना जाके लौट के चला है, ऐसे बात नहीं था। वो बहुत ही मतलब बेहद ही कोशिश किए थे, और एक बात था वो टाल लिए थे, हमको इस बार चाहे जो भी हो, परिणाम जो भी हो, हम इसको उभर के ही रहेंगे, इसीलिए बोलते उभर के आएंगे। इसीलिए कहते हैं अगर आपका आपका लक्ष्य ठीक हो, आप उस लक्ष्य पे चलने के लिए अपने आप जिंदगी को बाजी लगा सकते हो तो सारे कायनात जुड़ जाता है तुमको उस राह की राहगीर बनाने के लिए। मतलब आपका आप चाहते हो दिल से, आपको ये करना है तब जरूर करोगे। क्यों इससे इसके ऊपर मेरा जो फेथ आया कैसे था, एक ऐसे मैच था कि दो गेंद ये किए, दोनों बैट्समैन को ये आउट किए थे, मतलब इंजियर हो जाने के बाद गिर गए थे, इस जो घाई देख रहा है इसमें ईंटे थे बहुत थे, गिर गए थे, फिर उठ के हम सोचे थे बहुत हल्के बॉलिंग करके, क्या बॉलिंग किए थे साहब, दोनों को एकदम चितपाट कर दो, मैं भी था उस बैट्समैन से एक। और ये जो सांड ये देख रहा है ये निकोबार का है, ये इसके पीठ पर ज़्यादा देर तक कोई रह नहीं सकता, पर यहाँ एक कंपटीशन लग गया था सब में, सब अच्छे अच्छे स्टूडेंट में से, तो ये जाकर यहाँ पर भी मतलब इसको ये सांड फेंक नहीं पाया था और ये जख्मी हो गए थे, फिर भी उतर नहीं रहे थे, मतलब जीतना है हर हाल में। इस जगह पे जाकर इस एक शिक्षार्थी विद्यार्थी पर एक कोच का हौसला बुलंद होता है, ये लड़ने का ताकत, ये नटखटपन, ये बालपन, ये सब भी था, ये दिखाना बेहद ज़रूरी है। जो एक स्टूडेंट ये जो ये कर सकता है, खेल सकता है, मौज मस्ती कर सकता है, और ये एक मेडिकल में अच्छा जगह चांस भी पा सकता है, और ख़ास कर बायोलॉजी पर 355 का स्कोर भी कर सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ उड़ान भरने का क्षमता है इसमें, ये आगे बहुत आगे जाएगा एक दिन। फीस्ट का मौसम देखिए, यहाँ पर भी सोमदीप गुड़िया हल्के मिजाज में है, ये स्कोर कर रहे हैं, ये जो इसका स्कोर है ये 595 का है, ये स्कोर कार्ड है NTA का, ये हमारा जो नीट का रिजल्ट है, तो माँ काली का आशीर्वाद तो उस पर था ही, क्योंकि देख रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन भी एक शानदार है, जो हमारे यहाँ पर काली की पूजा होते हैं उसमें भी मेडिकल एप्रोन का ड्रेस उसके साथ, ये कोविड का मतलब कॉन्शसनेस बढ़ाने के लिए, और ये दिखाना मैं चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये काली के एक रुद्र रूप के साथ एक इम्बैटल एक बुद्ध गौतम बुद्ध जी के शांति, ये दोनों का वातावरण जरूरी है सक्सेस के लिए, तब जाकर सक्सेस आता है, क्योंकि सक्सेस एक ऐसा चीज़ है आपको जीतने के लिए कभी भी आपको बहुत ताकतवर मतलब एटीट्यूड वाला बनना पड़ता है, जोश लगाना पड़ता है, हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, सिंगुलेट गाइरस, एमिग्डाला लेकर जो बनता है हमारा इमोशनल ब्रेन, उसके साथ
शांत स्वभाव मतलब शांति का रहना भी बहुत बेहद ज़रूरी होता है। ये दोनों का संतुलन सक्सेस है। और आजकल का दिन में जहाँ स्टूडेंट एक दो तीन चार का टीचर बायोलॉजी का ही टीचर यूज़ करते हैं और उसके साथ बहुत सारे कोचिंग सेंटर ये सब बच्चे छोड़कर सोच के हैरान हो रहे हैं क्या बात भाई हम बढ़ेंगे तो ऐसे हमारे ऊपर क्या ये सब लोग देंगे मेरा पापा भी ऐसे हमारा ऊपर ऐसे मतलब ठोक देगा क्या। तो ये सोच रहे इतना स्टूडेंट तीन चार टीचर लगाने के बाद कोचिंग सेंटर ये सब सोमदीप गुड़िया का कुछ नहीं था। वो कोई भी कोचिंग सेंटर से ताल्लुकात नहीं रखते थे और नहीं था इतना एक से ज़्यादा टीचर। टीचर मैं भी था जैसे सुब्रतोपति था। और ये देखिए उसका स्वागत के लिए राहुल रॉय MBBS MS तो कंप्लीट हो चुका है UCMC दिल्ली से। और ये पृथ्वी चंद्र क्या सांस ले रहा है जी जिंदगी ऐसे ही होता है चाहो तो सब कुछ मिल जाता है सिर्फ प्रयास खास होना चाहिए।